नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लॉकडाउन एक ऐसा शब्द जिसने पिछले 6 महीनों में हमारी जिंदगी में एक खास जगह बना ली है। ना चाहते हुए भी ये शब्द आज हर किसी की जुबा पर है। वैसे तो कोरोना महामारी के इस दौर ने पूरी दुनिया के ही रवैये को बदल के रख दिया और इसी के चलते हुए लॉकडाउन में दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अर्श से फर्श पर ला दिया है। अब हम अनलॉक 2 के फेज में चल रहे हैं और ऐसे में कोरोना से सुरक्षा को लेकर के छोटे छोटे मिनी लॉकडाउंस हैं उनको अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन ये जो मिनी लॉकडाउंस हैं, सप्ताह में 55 घंटे का लॉकडाउन, वीकेंड पर सैटरडे संडे की बंदी, ये कितनी कामयाब हो पा रही है? जनता की इस पर क्या राय है? व्यापारी वर्ग को इससे क्या परेशानी है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा विषय रहेगा बेमकसद हुआ मिनी लॉकडाउन। बेमकसद यानी कि जिस लक्ष्य को पूरा ना किया जा सके। कोरोना लॉकडाउन जो कि करीब 2 महीने तक हम लोगों ने देखा, झेला, उसके बाद अब कोरोना से बचने के लिए मिनी लॉकडाउन्स जो हैं उनको सरकार की तरफ से एक्सपेरिमेंट के तौर पे अप्लाई किया गया है। इनका मुख्य जो मकसद है वो यही है कि इस संक्रमण को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से हम रोक सकें। लेकिन ये मिनी लॉकडाउन्स कितने कामयाब हो रहे हैं ये आज हम जानेंगे, रियलिटी चेक लेंगे, इसका जायजा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ का जायजा कि कैसा रहा है ये मिनी लॉकडाउन। मिनी लॉकडाउन का हुआ बेअसर, सिर्फ कागजों में पूरे किए जा रहे हैं आदेश। जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को काफी दिक्कतें। लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का व्यापार ना चलना उनके सामने एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है। कुछ व्यापारियों ने तो अपने व्यापार को ही बदल दिया। वहीं कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो अपनी दुकानों को बंद करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जब के न्यूज ने व्यापारियों से बात की तो उनके मन का दर्द छलक गया। देखिए, सरकार ने एक नियम बनाया है सैटरडे और संडे को बंद करने का, लेकिन इससे कोई व्यापारियों को खाली नुकसान हो रहा है और इसका कोई फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए कि उन्होंने इसलिए बंद कराया था कि यहाँ सैनिटाइज कराया जाएगा पूरा बाजार, इसलिए इसको बंद कराया जा रहा है। तो व्यापारियों को नुकसान ये हो रहा है कि सैटरडे संडे पूरा जो है उनका बंद रहता है ऑफिस। जो भी वो लोग खरीदारी करते थे वो खाली सैटरडे संडे को ही करते हैं, इसके अलावा उनके पास टाइम नहीं है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उनको ऑफिस जाना, उसके आगे घर परिवार को देखना। व्यापारी वर्ग इसे शनिवार रविवार के लॉकडाउन से इस कदर परेशान है कि वो इसे कोरोना रोकथाम के नाम पर सिर्फ सरकार की खाना पूर्ति करार दे रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी तो यही है कि छुट्टी लेकर काम करना पड़ता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो उस दिन काम नहीं हो पाता है। जब सब दुकानें ही बंद होती हैं तो फिर हम कैसे काम करें अपना। आज भी मैं छुट्टी लेकर निकली हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी छुट्टी ली है, तो वही चीज़ है। लॉकडाउन तब फ़ायदा करेगा जब थोड़ा और चीज़ों में भी सरकार देखे, जैसे सैनिटाइजेशन चीज़ों का, वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो चीज़ मार्केट में देखने को नहीं मिलती। सब लोग भीड़ में चलते हैं, रहते हैं, दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन का। कोरोना वायरस के चलते हुए 2 महीने के लॉकडाउन ने वैसे ही अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है और रही सही कसर शनिवार रविवार की बंदी पूरा कर रही है। ज्यादातर ग्राहकों को इन्हीं 2 दिनों में छुट्टी मिलती थी और इसी दिन बाजार बंद होने से व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से मंदी में डूब गया है। मिनी लॉकडाउन यानी हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार की बंदी, इससे जिस फायदे के मकसद से लागू किया गया था वो पूरा नहीं हो पा रहा। मिनी लॉकडाउन सरकारी कागजों में तो पास है मगर हकीकत में फेल। कई दुकानदारों से मार्केट में की बातचीत। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार और इतवार को मिनी लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन के दौरान कितना असर पड़ रहा है व्यापारियों को, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, शनिवार और इतवार को लॉकडाउन हो रहा है,
क्या फर्क आपको देखने को मिल रहा है, कितनी आपका नुकसान हो रहा है और क्या उस बीच सैनिटाइज किया जा रहा है? देखिए, कॉम्प्लेक्स में या मार्केट में सैटरडे संडे के बंद होने की वजह से जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी मॉल्स हैं, वहाँ पर आप कस्टमर्स का आना जाना काफ़ी कम हो गया है। मेरी समझ में ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। ये हम लोग का व्यापार पहले इससे ज़्यादा ठीक ठाक चल रहा था, अब सैटरडे संडे जो बंद कर दिया गया है, इससे फैमिलीज जो हैं बिल्कुल आना बंद हो गई हैं। ये तो है नहीं कि कोरोना सैटरडे संडे को ही पूछ के आएगा, बाकी डेज में नहीं आएगा। या तो सरकार को पूरा लॉकडाउन पूरे देश में कर दे ताकि अच्छे से ये ख़त्म हो जाए, ताकि सबको सेटिस्फेक्शन हो। जितने भी वादे हैं वो सरासर झूठे हैं, सब कागज़ों पे हैं। व्यापारियों को 5 दिन का समय मिला, जो कि निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि 5 दिन में व्यापार नहीं किया जा सकता। और जितने भी दुकानदार हैं सबकी मांग है कि अगर लॉकडाउन करना है तो पूरी तरीके से करें, 2 दिन के लॉकडाउन में कुछ भी असर कोरोना काल में नहीं पड़ेगा। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ में इस मिनी लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए के न्यूज़ की स्पेशल टीम मौजूद है, जिसके साथ हम बातचीत करेंगे, जानेंगे अलग अलग जगहों पर मुख्य जो बाजार हैं वहां पर लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मौजूद हैं, जो कि राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में हैं। साथ ही अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अमीनाबाद मार्केट से हैं। मोहम्मद सफ़ी हमारे साथ हैं, जो कि चौक मार्केट से हैं। और इसके अलावा भरत सेठी हमारे साथ मौजूद हैं आलमबाग बाज़ार से। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। भूतनाथ बाज़ार में आज आप मौजूद हैं, आज शनिवार का दिन है, शाम का वक्त है, लॉकडाउन डिक्लेयर्ड है, किस तरह का आप बाजार में जो है वो हलचल देख रहे हैं? सबसे पहले जो सैनिटाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं, सैनिटाइजेशन के लिए जो बनाया गया है सैटरडे संडे होना चाहिए, क्या वो वहां पर हो रहा है और लोगों की कितनी हलचल है? बिल्कुल, हम इस वक्त लखनऊ के मार्केट में मौजूद हैं। पॉश इलाकों के बड़े मार्केटों में इसकी गिनती होती है, लिहाजा भीड़ और चहल पहल हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि मिनी लॉकडाउन में भी लोगों की आवाजाही कहीं से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस वजह से मिनी लॉकडाउन किया जाता है, उस वजह को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। ना यहाँ पर कोई दुकान सैनिटाइज की जाती है, आप देखिए तस्वीरें, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं कि ना यहाँ पर कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना लोगों की आवाजाही पर कोई रोक है। वैसे ही बदस्तूर लोगों का आना जाना जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चूंकि त्योहार भी है, गणेश चतुर्थी का, दुकानें, पटरी दुकानदार चुप छुपा कर अपनी दुकानें जरूर खोल रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बड़ी परेशानी खड़ी है। ना सिर्फ इकोनॉमिकल परेशानी, बल्कि लोगों के साथ जो बाकी सामान खरीदने आना चाहते होंगे बाहर या बाकी चीजें, और जिस एहतियात के चलते इस लॉकडाउन को किया गया, वो पूरी तरह फेल है। क्योंकि सैटरडे संडे अगर वजह यह थी कि लोगों में इन्फ्लेशन कम हो, लोग बाहर कम निकले, लोग कोरोना से बचे, तो लोगों की आवाजाही खत्म नहीं है, लेकिन दुकानें बंद है, दुकानदार अपने घर में बैठकर उस लॉकडाउन को मना रहा है, लोग कहीं से उस लॉकडाउन को पालन करते हो। अभिषेक, आपने ये बात, आपसे आगे भी हम अपने जो जायजा है, जो सवाल है वो जारी रखेंगे। फिलहाल अनिकेत, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप राजधानी लखनऊ के, आप कह सकते हैं सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक, अमीनाबाद मार्केट में खड़े हैं, वहां कैसी हलचल है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? दुकानें तो एक सिरे से बंद करा दी गई, लेकिन मुख्य मकसद था लोगों की आवाजाही कम हो ताकि संक्रमण कम फैले, क्या वो आपने देखा वहां पर? और साथ ही सैनिटाइजेशन को लेकर के क्या काम किया जा रहा है? शनिवार और रविवार के दिन ये निर्धारित किया गया था कि लॉकडाउन रहेगा और दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा। तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ की अमीनाबाद के शहर की सबसे मुख्य और प्रमुख मार्केट कही जाती है और सबसे ज्यादा में शुमार है। यहाँ पर रोजाना की अगर बात करें यकीन तौर पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, लोग शॉपिंग करने आते हैं। लेकिन हालांकि जिस तरह से लॉकडाउन की बात की गई थी कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहेगा, दुकानें बंद रहेंगे, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, तो हालांकि दुकानें तो जरूर बंद दिख रही हैं आपको। मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। हालांकि दुकानें तो बंद है, लेकिन जिस तरह से कहा गया था कि शनिवार और इतवार को उन दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा, वहां पर पूरी तरह से ये व्यवस्थित किया जाएगा कि जो सैनिटाइजर की जो व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से, वो सुनिश्चित होगी। वो हालांकि
होती नहीं दिख रही है। सुबह से लेकर शाम बीत चुकी है, पूरा दिन खत्म होने को आ गया है। तो इलाके के जो लोग हैं जो मार्केट में जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं सुरक्षा के लिहाज से, उनसे हमने बात करी, उनसे पूछा, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि इलाके की दुकानों को तो बंद कराया जाता है लेकिन यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कराई जाती है। कुछ यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जो तैनात किए जाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे और हम ये बताने का प्रयास भी करेंगे। भैया ये बताइए क्या यहाँ पर दुकानें तो बंद की गई, क्या यहाँ पर सैनिटाइज किया गया दुकानों की नहीं सुबह से अभी तक? तो नहीं हुआ है, हो सकता है संडे कल हो जाए, रात तो नहीं हुआ है। ये बात तो शायद मुझे लगता है कि आप सुन पा रही होंगी कि साफ तौर पर जो यहाँ पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी जो दुकानों की सुरक्षा करते हैं वो ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आप सुबह से लेकर शाम बीत चुकी है लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से ऐसी कोई भी गाड़ी ऐसा कोई भी वाहन नहीं आया है जो इन दुकानों को इन इलाकों को सैनिटाइज करे। और यकीनन तौर पर राजधानी का सबसे व्यस्ततम इलाका है अमीनाबाद, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या ऐश्वर्या रोजाना लोगों की रहती है। लॉकडाउन जब नहीं होता है तो लोग निकलते हैं घरों से मार्केट करने आते हैं और राजधानी की सबसे बड़ी मार्केट है। बिल्कुल, तो मार्केट को यहाँ पर एक तरह से भगवान भरोसे छोड़ा गया है और व्यस्ततम और मुख्य मार्केट में भी इस वक्त सैनिटाइजेशन का जो काम है वो नहीं हुआ है। भरत, आपके पास हम आएंगे, आप आलमबाग बाजार से हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, आपके साथ कुछ व्यापारी भी खड़े थे, जानना चाहेंगे कि जो व्यापारी वर्ग है वो इस मिनी लॉकडाउन पर किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। व्यापारियों की दुकानें तो सिरे से बंद कर दी गई, उनका आप कहेंगे रोजगार ठप हो गया, जो पैसे की आवाजाही थी वो साधन बंद हो गया, लेकिन लोग तो अभी भी बाहर निकल रहे हैं और घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। ऐसे में क्या व्यापारी वर्ग पे ये एक बड़ी मार नहीं है? ज्यादा नुकसान हुआ है जो मिनी लॉकडाउन हुआ है शनिवार और इतवार को लेकर, व्यापारियों को कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। शुरुआत में भले एक दो बार दिखा लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का, क्योंकि लोगों की छुट्टी होती थी शनिवार इतवार को, लोग शॉपिंग करने आते थे, उस मार्केट को बंद कर दिया गया। सरकार का कोई भी ऐसा आदेश नहीं है जिससे व्यापारी को कोई छुट्टी हो, जिस दिन व्यापार होता था उस दिन मार्केट को बंद देना कहीं ना कहीं नाराजगी है। हमारे साथ कुछ व्यापारी है, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे उनसे कि मिनी लॉकडाउन के दौरान कितनी दिक्कतें इनको आ रही है, सर कितनी दिक्कतें आपको मिनी लॉकडाउन के दौरान आ रही है यहाँ पे, और क्या सरकार का जो आदेश है कैसा सही रखता है? कुल मिला के इनका कहना है कि व्यापारी यहाँ पे बहुत परेशान है। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे जो संक्रमित मरीज निकल रहे कोरोना के उनका लगातार इजाफा हो रहा है, 8,000 के पार लगभग आंकड़ा पहुंचने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार के नियम है जो धरातल पर वो फेल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अपने सहयोगी मोहम्मद सफी के पास हम पहुंचते हैं। सफी, आप चौक बाजार में खड़े हुए हैं इस वक्त, चौक बाजार में आपके पीछे हम देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है वो अनवरत रूप से चालू है, किस तरह का असर है मार्केट पर और क्या आपने कोई सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर देखा इस वक्त? बता दूं ऐश्वर्या, मैं इस समय लखनऊ के चौक बाजार में खड़ा हूं और यहां पर बता दूं जो सराफा मार्केट है, सब लखनऊ की सबसे बड़ी इस सराफा मार्केट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार कहूं अपने कैमरामैन से कि जरा इस सराफा मार्केट दिखा दें, मैं आपको बता दूं ये लखनऊ का सबसे बड़ा सराफा मार्केट है। और बात करेगा सैनिटाइजेशन की तो यहां पर अभी किसी तरह की भी, अगर व्यापारी से मेरी बात हुई है, किसी तरह की भी सैनिटाइज काम नहीं किया जा रहा है, गंदगी पूरी तरीके से देखी जा रही है। और जो मिनी लॉकडाउन 55 घंटे का लॉकडाउन सरकार द्वारा लगाया गया है ये कह के कि सैनिटाइज किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी है, लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। अगर बात करें लॉकडाउन की तो ऐसा यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, लगातार यहाँ पर पब्लिक चलती नजर आ रही है, लगातार यहाँ पर लोग चलिए आप देख लें किस तरीके से यहाँ पर रोड पूरी तरीके से चल रही है, गाड़ियां भी चल रही, सभी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। लेकिन गंदगी की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात करें तो तरह की कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं किया गया है, नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, कई व्यापारी मौजूद हैं जिनका कहना है कि यहाँ पर 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाता है जिसके कारण इतना काफी नुकसान भी सहना पड़ रहा है और लॉकडाउन लगाया गया है। तो हमारे सारे सहयोगी हमें इस वक्त लखनऊ के जो मुख्य बाजार हैं उनका जो
हाल है वो दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि सैटरडे संडे हफ्ते में दो दिन की जो इस साप्ताहिक बंदी की गई है इसका कितना असर पड़ रहा है। क्या ये बंदी जिसका मुख्य मकसद था लोगों को घर पर बैठाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो पूरा हो पा रहा है या नहीं, या फिर केवल ये साप्ताहिक बंदी एक तरह से व्यापारी और जनता पर मार की तरह सामने आ रही है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम राजधानी लखनऊ में मिनी लॉकडाउन का जायजा ले रहे हैं कि ये मिनी लॉकडाउन कितना सफल है और ये लॉकडाउन कहीं बेमकसद तो नहीं साबित हो रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ राजधानी लखनऊ के अलग अलग मुख्य बाजारों में मौजूद हैं। अभिषेक, आपके पास हम लौट करके आएंगे, आप भूतनाथ बाजार में मौजूद हैं। आपने कहा कि गणेश चतुर्थी को लेकर के यहाँ पर जो छोटे पटरी दुकानदार हैं वो मौजूद हैं और जो जनता है वो भी यहाँ पर आ रही है। पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्था देखी आपने? क्या पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की बात लोगों को समझा रही है, कह रही है, या फिर लोग ना आए, आज लॉकडाउन है, इस बात को लोगों तक पहुंचा रही है, पूछताछ कर रही है, किस तरह वहां पुलिस का जो इंतजाम है वो है? आप जो बात का दूरी पे हाँ चौकी बनी हुई है, मुख्य चौकी है यहाँ की, बाजारों में खास तौर पर सुरक्षा के लिए उसे तैनात बनाया गया है यहाँ पे। वहाँ खुद ACP आए थे, थोड़ी देर रुके, उन्होंने देखा और फिर वो यहाँ से चले। अभी भी पुलिस मौजूद है, वो किसी से पूछताछ नहीं कर रही है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि व्यापारियों को कुछ उसमें मदद मिल पाए। और जिस तरह से इकोनॉमिकल ग्रोथ की बातें, बड़े बड़ी बातें सरकार की तरफ से की जा रही है, हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ भूतनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं, देवेश गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। देवेश जी, सैटरडे संडे को लॉकडाउन है, आप लोग दुकान नहीं खोल सकते, लोग तो वैसे ही निकल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन पहले जो चल रहा था और अब लॉकडाउन में बहुत फर्क है। अब लॉकडाउन में कहीं रोक टोक नहीं होती है। हम लोग के लिए जरूरी एक मुसीबत हो गई है कि सैटरडे संडे जो हमारा व्यापार चलता था, मैन हमारा एक जो हफ्ता होता है जैसे, उसमें दो दिन सैटरडे संडे सबसे ज्यादा सेल दुकानदारी होती है, लेकिन सैटरडे संडे बंद कर दिएगा, लोग वैसे ही आ जा रहे हैं और कहीं कोई रोक टोक नहीं हो रही। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सैटरडे संडे को न करके कोई और दिन उनको कर देना चाहिए बंदी का, जिससे कि हमारा व्यापार बढ़े। क्योंकि 5-6 महीने से हम लोग बिल्कुल सबसे ज्यादा गाज अगर कोरोना मार पड़ी है तो वो व्यापारियों के ऊपर पड़ी है। तो हम सरकार यही चाहते हैं कि सैटरडे संडे को खोला जाए और बंद कर दिया जाए। हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे और आगे सहयोग करते भी आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग की स्थितियाँ बहुत खराब होती जा रही है। अभी सोचिए कि काफी लोगों ने अपने अपने स्टाफ घटा दिए, लोगों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, अपने स्टाफ को आधा कर दिया, किसी के पास 20 से 10 कर दिए, किसी के पास ऐसे, तो ये एक आगे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ेगी। जो व्यापारी रोजगार देता था, अब वही धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को कम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, हमारे साथ देवेश गुप्ता जी थे जो बता, परेशानियां इस कदर बढ़ रही हैं और इकोनॉमिकल ग्रोथ की, इकोनॉमिक ठीक करने की बातें सरकार जरूर कह रही है। आज सदन में मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि 3 महीने का नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान ऐसा होता जा रहा है दिन पे दिन। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अभी भी सड़क पे देख सकते हैं गाड़ियों का अंबार दिखेगा आपको, दुकानें चाहे एक भी नहीं खुली होंगी। सैनिटाइजेशन की बात करें तो सैनिटाइजेशन को लेकर जिस तरह की बातें कही जाती है,
वैसा सैनिटाइजेशन व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल तो नहीं दिखी। हम जब से यहाँ पर आए हैं एक नगर निगम के कर्मचारी तक यहाँ मौजूद नहीं था जो ये देखे ये सुनिश्चित करे कि दुकानों के आसपास जहाँ पर स्प्रिंकलर या सैनिटाइज किया जाता है वहाँ सैनिटाइजेशन हो। जी अनिकेत आपके पास में आना चाहूंगी, आप अमीनाबाद बाजार में मौजूद हैं, आपने वहां का हमको हाल दिखाया कि किस तरह से दुकानें बंद हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो आवाजाही हो रही है, क्या पुलिस या कोई इंतजाम है वहां पर ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग मास्क लगा करके निकले, सैनिटाइजेशन का काम वहां पर भी हो और सोशल डिस्टेंसिंग जो है बाजारों में उसको जो है मेंटेन किया जाए? रविवार के दिन और ये कहा गया था कि दुकानें और परिसर सैनिटाइज होंगे और ये बात सुनिश्चित करना होगा प्रशासन को कि लोग अगर घरों से निकलते भी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, परिसर बंद है, दुकानें बंद है और मंदिर में लोगों की तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। और बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप तस्वीरें देख सकते हैं ऐश्वर्या साफ तौर पर कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन कर रहे हैं ना तो स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में उनका लोग कर रहे हैं। तो यकीनन तौर पर ऐश्वर्या अगर बात करें किस तरह से पुलिस प्रशासन की ये सुनिश्चित कराने में कहा गया था पुलिस प्रशासन को कि शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा और दुकानें परिसर नहीं खोले जाएंगे और जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, अगर निकलते भी आवश्यक कार्य हेतु तो जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन उसका लोग पालन करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं अमीनाबाद की जो मुख्य मार्केट है राजधानी लखनऊ की, जो मुख्य मार्केट कही जाती है राजधानी लखनऊ की, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। भरत आपके पास में आना चाहूंगी, आपने वहां पर पुलिस की व्यवस्था कैसी देखी? लॉकडाउन है आज, क्या बड़ी गाड़ियां या लोग घूमने के मकसद से बाहर निकल रहे हैं और पुलिस की व्यवस्था कैसी है वहां पर? कहा गया था कि पुलिस की सख्ती उस तरीके से इस लॉकडाउन में जरा से भी नजर नहीं आती है। लोग आराम से सड़कों पर निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं बिन मास्क के, भी कुछ लोग बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं, किसी तरीके का उनका चलान नहीं हो रहा। इस समय हम आलमबाग मार्केट में है, आलमबाग मार्केट में भी ऐसे कई लोग दिखे जो विदाउट मास्क निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारी कोई भी कर्मचारी सड़कों पर नहीं मुस्तैद दिख रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि चौराहों पर चेकिंग होगी, चौराहों पर चेकिंग जरूर की जा रही है, वो गाड़ियों की जा रही है, ना कि मास्क को देखा जा रहा है, ना ही व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देने का वक्त है। सफी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, भरत आपका भी धन्यवाद, अनिकेत आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभिषेक धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा दर्शकों आपने मिनी लॉकडाउन किस तरह से बेअसर साबित हो रहा है, सिर्फ जनता को परेशानी और व्यापारी वर्ग भी मार इस लॉकडाउन के चलते पड़ रही है। जिस मकसद से इसको लगाया गया था शायद वो मकसद आधा अधूरा ही रह गया। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लॉकडाउन के दौरान बाहर ना निकलें, तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही सैनिटाइजर्स और मास्क को लेकर के जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें ताकि कोरोना से बचाव हो सके। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।